target. हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग का छोटा भाई राहुल प्रजापति, और आज दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को आधी रात से शूट कर रहा हूं। आपको बता दें, तकरीबन अभी जो समय हो रहे हैं वो 12:20 हो रहा है। आधी रात को मुझे कहीं जाना पड़ रहा, वो भी ट्रेन से। कहाँ जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है, आप लोग को इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। सो चलिए आज किस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। आज का वीडियो दोस्तों ट्रेवल ब्लॉग होगा, और आपको बता दें जो अभी समय है हम लोग के बीच में वो 12:20 हो रहा है, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है श्याम भाई। ये देखिए, देख रहे हैं, तो हम हैं और हमारे साथ श्याम भाई, हम दोनों लोग जा रहे हैं कहीं, और आधी रात को हम लोग को निकलना पड़ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मजबूरी, क्या कुछ कारण हो सकता है। आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू हमारे साथ। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे हम क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है जो हमको आधी रात को निकलना पड़ रहा है। तो चलिए आइए, सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं कि रात में भी अपना जौनपुर जंक्शन यानी कि भंडरिया रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। सब कुछ आज किसी वीडियो में दिखाएंगे, तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए आज किस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आइए आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और आप लोग देख सकते हैं ये है जौनपुर जंक्शन, देख रहे हैं रात में कैसे दिख रहा है बताइएगा। और एकदम देखिए ये पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कि एक भी आदमी, एक भी पब्लिक नहीं है यहाँ पर। चलिए चलते हैं प्लेटफार्म की तरफ, वहाँ भी दिखाते हैं आखिरकार क्या कुछ वहाँ का हाल है। और इधर देख सकते हैं टिकट काउंटर। तो फाइनली जी हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, और मुझे लग रहा था कि सिर्फ हम ही अकेले ट्रेवल करेंगे आज, लेकिन नहीं, और भी पैसेंजर्स और भी यात्री आधी रात को भी भैया ट्रेवल करने के लिए तैयार हैं। देख रहे होंगे पीछे काफ़ी यात्री हैं जो कि दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, देख रहे हैं ये हाल है जौनपुर जंक्शन का। हाँ, एक बार फिर से दिखाते हैं आप लोग को कि कितना भीड़ है प्लेटफॉर्म पर। लग रहा है कि और भी लोग यात्रा करेंगे, और जिसको जहाँ जहाँ जाना होगा जाएंगे ज़रूर। हाँ, दिखाते हैं प्लेटफॉर्म 5 का क्या हाल है इस समय। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 5 का हाल है, और अभी काम चल रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, क्योंकि इससे पहले सुधार नहीं था तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से उतर जाया करती थी, यानी कि बहुत आगे जाना पड़ता था। तो फाइनली जी हमारी ट्रेन आ रही है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:55 हो रहे हैं, तकरीबन 1 के आसपास ट्रेन आ रही है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए दिखाते हैं, और ये देख सकते हैं कुछ ही पैसेंजर्स हैं। लो भैया, आ गई हमारी गरीब रथ, जो आई तो सही, इंतजार था। बाहर है ड्राइवर भैया, ये है बरौनी कुटिया। चलिए फटाफट बैठते हैं और अपने इस ट्रेवल ब्लॉग जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। आइए पीछे चलते हैं, आइए आइए आइए, बैठाओ जल्दी जल्दी गाड़ी में सब जने, कम्मा कहाँ जाइबू। आओ पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। लग रहा है ट्रेनिया में अंधेरा है का भाई, देख रहे हैं ये तो हाल है। खोला हो क्यों दरवाजा बंद कर ले बका। चलिए भैया आ गए हैं अपनी क्लास में, क्या नंबर हुए हो, 5 नंबर हुए, तो 1 नंबर फिर यही हुई। हाँ तो फाइनली जी अंदर आ चुके हैं, और आपको बता दें सारे पैसेंजर सभी सो रहे हैं। हाँ, और रात का भी टाइम है, काफी ज्यादा टाइम हो रहा है, आपको बता दें तकरीबन 1:00 होंगे, 1:02 हो रहे हैं।
तो काफ़ी लेट से हमें ट्रेन मिली है। कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। ये जो ट्रेन है ये बरौनी टू गुदिया, तो अभी फर्स्ट टाइम हम इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। जैसा भी होगा जर्नी आज का आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करेंगे। सो चलिए पहले हम भी आराम करते हैं, फिर सुबह मिलते हैं आप लोग को। तो गुड मॉर्निंग जी, अभी हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे हैं? अभी हम पहुंचे हैं हाजीपुर जंक्शन, और दिखाते हैं हाजीपुर का नज़ारा कैसा है यार। ये देखिए जी सुबह हो गई है, हाजीपुर में है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं बिहार, और बिहार में हमको हर तरफ दिखाई दे रहे हैं केले ही केले। मुझे लगता था बिहार भी अपना यूपी जैसा होगा, लेकिन ये तो बदल गया। और इधर श्याम भाई हेलो, इधर देख रहे हैं पूरी ट्रेन खाली खाली है। अब जाके हम फाइनली दातून कर रहे हैं, क्योंकि घर से ही दातून लेके आए थे। ट्रेन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसलिए हमारी आवाज़ नहीं आ रही होगी। हाँ चलिए पहुंचते हैं जहां पे मुझे जाना है। आधी रात को भैया ट्रेन पकड़े हैं, ये समझ लीजिए आप। तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं जहां पे हमें पहुंचना था, और आपको बता दें कि ट्रेन में पानी ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से हम दातून कर रहे हैं लेकिन मुंह नहीं धो सकते। अभी हम जहां पे उतरेंगे वहां पे मुंह धुलेंगे, फिर कुछ नाश्ता करेंगे, तब फिर निकलेंगे जहां पे हमें जाना है। और अभी आपको बता दें हम आउटर पे खड़े हैं, ये देख सकते हैं ये है आउटर, और अभी जंक्शन आया नहीं है। बहुत जल्द हम जंक्शन पे पहुंचने वाले हैं, आप लोग को देखने को मिलेगा बिहार का जंक्शन कैसा होता है। अब तक आप लोग यूपी के जंक्शन को देखा करते थे, दिल्ली के जंक्शन को देखा करते थे, मुंबई के जंक्शन को देखा करते थे, आज पहली बार आप लोग बिहार के जंक्शन को देखेंगे। तो फाइनली जी पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर। हाँ समस्तीपुर, बिहार समस्तीपुर। हाँ दिखाते हैं आप लोग, ये है समस्तीपुर। समस्तीपुर जंक्शन देख रहे हैं, यही ना है समस्तीपुर। देख रहे हैं भैया समस्तीपुर जंक्शन। पैसेंजर फाइनली जी पहुंच चुके हैं समस्तीपुर। अब जाना कहाँ है बस बहुत जल्द आप लोग को पता चलेगा। ये देखिए हम यहाँ से चुके हैं, और इधर खड़ी रही हमारी बरौनी गुदिया। तो चलिए बाहर निकलते हैं, फिर आप लोगों से विजिट करते हैं, और बाहर चल के आपको दिखाएंगे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा कैसा है। हाँ और वहाँ देख सकते हैं आप लोग, वो है समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, समस्तीपुर जंक्शन। आओ तो लो जी हम पहुँच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन। हाँ मुझे लगा कि काफ़ी बढ़िया होगा बिहार का यह समस्तीपुर जंक्शन, लेकिन हमारे जौनपुर जंक्शन से कोई ख़ास नहीं है। हाँ दिखाते हैं एक बार आप लोग को, ये देखिए बस स्टैंड, सॉरी टैक्सी। देख रहे हैं कोई टैक्सी वाला नहीं दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं भैया ये है बिहार की गलियां। क्या चीज़ से निकल गए होते यार ना, इधर से ही निकल गए थे। ये चाचा ताजपुर चलना था, ताजपुर आ जाइए, ताजपुर बस स्टैंड आ जाइए, आइए बैठते हैं। जाप जाएगा, देख रहे हैं भैया बिहार में कितना जाम है। तो फाइनली भैया हम ये लिए हैं रिक्शा,
और ये हमको ले जाके छोड़ेगी। कहाँ छोड़ेगी आपको बताएंगे। चलिए भैया चलिए, ये सवारी और को बाहो। तो भैया अनजान जगह जाने पे यही होता है, रास्ता पता नहीं है और ऑटो वालों ने हमको 1 किलोमीटर पहले उतार दिया है। चलिए पैदल निकल रहे हैं, जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंच जाते हैं। और इधर श्याम भाई ये देखिए, तो फाइनली अभी हमने लिया दूसरा ऑटो और उस ऑटो वाले ने मुझे पुल पार करा दिया था। अभी यहाँ से हमने फिर पता किया है, फिर हमको जाना है, तो काफ़ी हमको भटकना पड़ रहा है और इसी रास्ते से अब हमको जाना है जहाँ पे हम पहुँचेंगे। आपको बता दें लोकेशन के माध्यम से हमको बताया गया था एक मंदिर, और मंदिर यही है, ये देखिए जय दुर्गा माता। पहले से मैं पता है कि ये माता रानी का स्थान है। है कि नहीं, आगे एक मंदिर बताया गया था ना, आपको क्या लग रहा है? ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय समागम, अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ न्यास नई दिल्ली द्वारा। और इधर भी देख सकते हैं तमाम ग्रंथ हैं। और इधर सर जी, बहुत अच्छा लगा आज मिलकर। तो फाइनली जी, आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हम कहाँ जाने वाले हैं और क्यों जा रहे हैं, क्या काम है और किस जगह पे जा रहे हैं, तो आप लोग को बता दें कि फाइनली हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं। फर्स्ट टाइम आप इन सर जी को देख रहे होंगे, शायद आप लोग इन्हें नहीं पहचान रहे होंगे। आपको बता दें अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ न्यास नई दिल्ली के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पौद्दार जी हैं हमारे बीच में। इनके द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया है जो कि 26 तारीख को संपन्न होगा, और उसी डेट को इनके लड़के की भी शादी है। हम लोग शादी में भी सम्मिलित होंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। तो इस वजह से मुझे अचानक से बिहार आना पड़ा। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ, सब कुछ देखने को मिलेगा, आप लोग को एंजॉय भी करने को मिलेगा। हमारे साथ हैं श्याम जी और हमारे सर जी। और सर जी कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, काफी खुश हूँ राहुल जी को देख करके जी, अपने मित्र को देख करके जी, लगता है कि हमारा भी सब सफल हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए एक बार दिखाते हैं कि जो होर्डिंग बैनर पोस्टर बने हुए हैं अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ का, वो हम आप लोग को दिखाते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं से करते हैं समाप्त।